मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को गोवर्धन पूजा के पर्व पर ग्रामोद्योग विकास मंडल द्वारा संचालित श्री तिलकेश्वर गौसेवा सदन पहुंचे। यहां वे अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा और दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा कर गौमाता की पूजा की तथा उन्हें 56 प्रकार का भोग चारे में मिलाकर खिलाया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने तिलकेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अवंतिका की इस पावन धरती पर परमात्मा की विशेष कृपा है। यहाँ तिल भर भी जमीन बाकी नहीं है जहाँ धर्म की सत्ता नहीं है। पूरे साल हम लोग त्योहार मनाते रहें, परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। घनघोर अंधकार के बीच दीप का एक प्रकाश ही दीपावली है। यह उजाला देती है, प्रकाश देती है, हिम्मत देती है, ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार उत्सव और पर्व के आयोजन के लिए हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है। इसी के साथ जीने के लिए लगातार ललक बढ़ती है। जीवन में कितने ही कष्ट हों लेकिन उनके बीच रोज हमें मुस्कुराने को मिलता है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, गौमाता के साथ जुड़ते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इनकी पूजा और सेवा करके हम अपना जीवन सफल बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौमाता अपने आंचल से हमको जीवन देती है, यह प्रकृति के समान हमको जीना सिखाती है। यह हमको भी पालती है, अपने बच्चों को भी पालती है, हमें दूध देती है। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम सबको नमस्कार करते हैं। हमें अपने देशी गौवंश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे सारे 30 त्योहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 गौशालाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा 5,000 गायों की क्षमता वाली गौशाला उज्जैन में बनाई जाएगी। तिलकेश्वर महादेव सिंहस्थ क्षेत्र का प्रमुख मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही यहां की गौशाला का भी विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वीर दुर्गादास की छतरी के पास ब्रिज बनाया जाएगा। मुल्लापुरा से लेकर चंदूखेड़ी तक 6-लेन रोड बनाया जाएगा। कालिदास उद्यान से काल भैरव मंदिर तक 4-लेन किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद बालयोगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, श्री अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, तिलकेश्वर गौ सेवा समिति के सचिव श्री विश्वास शर्मा, श्री दिनेश जैन, श्री संदीप कुलश्रेष्ठ, सेवाधाम आश्रम के श्री सुधीर भाई गोयल, श्री मुन्ना सरकार, श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला, श्री जितेंद्र अग्रवाल, तिलकेश्वर गौशाला के अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हमारे गोवंश के लिए जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं कि हमारे गोवंश को मिटा करके हम देसी को हटा करके विदेशी को लेकर आए ना, हमको क्या बोलते चौबे जी छब्बे बनने गए और डूबे रह गए, ना यहाँ के लिए ना वहाँ के लिए। आज पलट के वापस समय आया है कि हम अपने गौवंश की रक्षा करें, अपने गौवंश के गीत गाएं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी हमने रोज अलग अलग प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बने। ये सारे तीज त्योहार समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं होना चाहिए, सरकार को आनंद क्यों नहीं आना चाहिए और इसमें शर्माना क्या है? अरे गौ माता की पूजा करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो हमारा अपना कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे कई विरोधी आज भी कह रहे हैं अरे आप क्या कर रहे हो, तो गोवर्धन पूजा पहले ही थी। अरे भैया, एक हमारे बड़े नेता कांग्रेस के, आज का उनका टिप्पणी है, हमने कहा आपने भी 10 साल चलाई थी सरकार, लेकिन आप तो कभी कार्यक्रम में जाते थे तो गौ माता के नाम तो छोड़ो, जो गो कसी करते थे उनके साथ मंच पे बैठ करके अपने आप को सम्मानित कराते थे। शर्म आना चाहिए आपको।
आप किसकी बात कर रहे हो? आपने इस गोवंश के लिए जितना नुकसान किया, याद करो वो, भगवान माफ करे, सबको माफ करे। दीपावली की मैं तो सबको मंगल कामना देता हूँ।